अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 11th के लिए ये क्लास है। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया था, तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हो गया था। आज इसका गेस लॉज के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे और एक गेस लॉ भी यहाँ पे डिराइव करेंगे हम। देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि गेस लॉज होते क्या है। ठीक, क्या करना है हमें इस गेस लॉज में, देख लीजिए। हमने जब गेस पढ़ा था, ठीक, उस वक्त हमने बोला था अगर हमें किसी सबस्टेंस को इन द गैसियस स्टेट देखना है, तो उस वक्त उस सबस्टेंस का क्या करना है, हमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखना है एंड प्रेशर क्या करना है कम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, इस गैसेस में ये पार्टिकल्स क्या एक दूसरे के दूर होने चाहिए। दूर होने के लिए आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो ये पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर हो जाएंगे। ठीक, और दूसरी बात, इनका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करना है, क्योंकि इनकी थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए, तभी ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, रैंडमली मूवमेंट करेंगे। ठीक, दैट मींस व्हेन एवर यू हैव टू फाउंड गैस इन अ सब्सटेंस इन अ गैस स्टेट, आपको क्या करना है, उस वक्त आपको सब्सटेंस का टेम्परेचर ज्यादा रखना है एंड प्रेशर क्या करना है कम रखना है। ठीक, अब दूसरी बात, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहां पर देखी। एक तो हमने प्रेशर देख लिया, दूसरा क्या देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, एंड नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज वॉल्यूम। अब गैस लॉज में क्या करना है हमें, ये जो हमने तीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज यहां पे लिखी, इनके दरमियान गैस लॉज जो होते हैं, इट गिव्स अस क्या, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किस किस के दरमियान, बिटवीन द प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। गैस लॉज का काम क्या है, ये हमें रिलेशनशिप देती है किसके बारे में, कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम को क्या हो जाएगा, या अगर वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को क्या हो जाएगा, इनके दरमियान रिलेशनशिप देता है कौन, गैस लॉज। ठीक, हाँ, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम फर्स्ट गैस लॉ को यहां पे देख लेते हैं, कौन सा, बॉयल्स लॉ। क्या, बॉयल्स लॉ। ठीक, ये बॉयल्स लॉ जो है ये रिलेशनशिप है, इट गिव्स अस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप देता है किस किस के दरमियान, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक, हमने पहले ही बोला है कि जो ये गैस लॉज है ये हमें रिलेशनशिप देता है इन प्रॉपर्टीज के बीच में। बॉयल्स लॉ किस किस प्रॉपर्टी के बीच में हमें रिलेशन देता है, एक प्रेशर एंड नंबर सेकंड इट इज वॉल्यूम। मगर यहां पे तीसरी प्रॉपर्टी भी है, कौन सी प्रॉपर्टी, टेम्परेचर। जब आपको इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखनी होगी, देन यू हैव टू कैप्चर दिस थर्ड कॉन्स्टेंट इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस वक्त, इसीलिए हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट। अगर आप पी एंड टी के दरमियान देखोगे तो इसको कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, या इसको कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। जब दो के दरमियान रिलेशनशिप देखोगे तो इसी को क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट। ठीक, फिलहाल हम किस किस के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं, यहां पे प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान। दैट मींस जो उसने ये रिलेशनशिप दी, ये रिलेशनशिप क्या थी, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक, क्या रिलेशनशिप है हम यहां पे देख लेते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि यहां पे मैंने ये कंटेनर ले लिया है। ठीक, इस कंटेनर के ऊपर क्या रखा है मैंने, पिस्टन, जिसे आप प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। अंदर क्या रखा है, कोई गैस रखा है अंदर। इस वक्त जो भी गैस, जो भी वॉल्यूम अवेलेबल है इस गैस को, वो सब ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि आपको पता है जितना वॉल्यूम होगा उतना वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक, अब मुझे बोलिए, इफ यहां पे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर कर रहे हो इंक्रीज, व्हाट इज दिस, दिस इज द वॉल्यूम। अगर आप ये प्रेशर इंक्रीज करोगे, दैट मीन्स ये जो पिस्टन है इस जगह पे, ये नीचे आ जाएगा। मुझे बोलिए वॉल्यूम को क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया डिक्रीज। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ विच गिव्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम।
क्या बोला है इसने, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज, वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज। हाँ, एक बार फिर यहां पे कांस्टेंट क्या रखना है, हमें कांस्टेंट रखना है टेम्परेचर एंड साथ साथ क्या रखना है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। दो चीजें तो हर किसी जगह आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पे क्या रखना पड़ेगा और कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, अब मुझे बोलिए इसकी अगर हमें डेफिनेशन देनी होगी, इसका स्टेटमेंट लिखना होगा बॉयलर्स लॉ का, ऑन द बेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसका, ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, आप गेस क्या हो जाता है उस वक्त, दे प्रेशर इज इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देख लीजिए, अगर इंक्रीज करने के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन ये अपोजिट है, एक को इंक्रीज करोगे दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, तभी हमने यहां पर लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, इसकी इक्वेशन लिखते हैं यहां पर, पी is inversely proportional to volume, P is inversely proportional to volume। ठीक, अब यहां पे हमें सबको पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी टर्म जो है इसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं, जब भी आप इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट, एंड इस कॉन्स्टेंट को क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल दिया। अब हम देखते हैं ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कि ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कब इसका वैल्यू ज्यादा होगा कब इसका वैल्यू कम होगा, दैट मींस इट इज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है। सबको पता है एक इक्वेशन है बहुत ही मशहूर इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूं, P इज इक्वल टू एन आर टी वन बाई वी, ये क्या है, दिस इज द P, दिस इज P हियर, दिस इज वन बाई वी, दिस इज वन बाई वी हियर, अब क्या बचा यहां पे K, अब क्या बचा यहां पे एन आर टी, दैट मीन्स देखिए इस एन आर टी में ये R क्या है, इट इज द गैस कॉन्स्टेंट, क्या है ये, इसको छोड़ दिए, ये गैस कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू तो सेम रहेगा। ठीक, अब क्या रह गया यहां पे, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, किसका नंबर ऑफ मोल्स, गैस का, एंड दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर, आप किस टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक, दैट मींस जब पी भी है हमारे पास, वन बाई वी भी है हमारे पास, जो ये बीच एन आर टी रह गया बीच में, इट विल बी इक्वल टू के, यहां पे इट विल बी इक्वल टू के, दैट मीन्स अगर आपको k का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि कब ज्यादा होगा कम कब कम होगा, इट विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर। हम यहां पे लिखते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, ठीक, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स k, हाँ, इसका वैल्यू जो है इट डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड अमाउंट और नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, हाँ जी, पहली इक्वेशन हमारी हो गई, पहला स्टेटमेंट भी हो गया, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, इट इज वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई बी, पी इज इक्वल टू के वन बाई बी, के क्या है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू किस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस पे। ठीक है, अब देख लेते हैं, यही इक्वेशन दोबारा मैं यहां लाता हूं, इज इक्वल टू के बाई वी। ठीक है, अब इसको यहां पे लाओ, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट मीन्स पी वी इज इक्वल टू के, ये पी क्या है, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर, दिस वी क्या है, इट इज द वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम। ठीक है, जब ये वॉल्यूम है, अब देख लीजिए इनके दरमियान क्या हुआ है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन हो गया इनके दरमियान, हाँ, मुझे बोलिए इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, कांस्टेंट, किसके बराबर है, कांस्टेंट। हम ये नहीं लिख सकते क्या, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयलर्स लॉ, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट एट कांस्टेंट, ये लिख लीजिए,
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, दी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, दी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। देख लीजिए दो स्टेटमेंट हमें बॉयज़ लॉ के यहां पे निकालिए, पहला क्या लिखा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हमने देख लिया इक्वेशन निकाली के का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है वो भी बोल दिया हमने। अब क्या किया हमने, हमने देखा पीवी का प्रोडक्ट जो है ये किसके बराबर निकला हमें, कॉन्स्टेंट के बराबर, वही हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तभी हमने लिखा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज कॉन्स्टेंट। ठीक, एक ग्राफ यहां पे बॉयज़ लॉ के लिए तीन, दो तीन ग्राफ हम यहां पे डालेंगे, पहला हम डालेंगे इस पे पी एंड वी के दरमियान, पी एंड वी के दरमियान एक ग्राफ अक्सर क्वेश्चन आता है इसमें से, देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम लेंगे वी, यहां पे हम लेंगे पी। ठीक, मुझे बोलिए जब आप पी को इंक्रीज कर रहे थे वॉल्यूम क्या हो जाता था, डिक्रीज, क्योंकि हमारा इक्वेशन ही ऐसे है, जब आप पी को क्या करोगे इंक्रीज डी हो जाएगा डिक्रीज, या वी को करोगे इंक्रीज पी हो जाएगा डिक्रीज। ठीक, दैट मीन्स जस्ट लाइक आई एम डिक्रीजिंग हियर प्रेशर द वॉल्यूम विल गेट इंक्रीज, जैसे या प्रेशर को डिक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज, या ऐसे अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे आप वी को क्या कर रहे हो डिक्रीज एंड पी क्या हो रहा है इंक्रीज। ठीक, तो दैट मीन्स यहां पे जो ये हाइपरबोलिक करो हमें निकल गई। ठीक, दिस इज द ग्राफ बिटवीन पी एंड वी। अब मुझे यहां पे बोलिए कि हमने इस सारे प्रोसेस में क्या एक चीज कॉन्स्टेंट रखी थी, क्या रखा था कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट मीन्स ये सब जगह पे इस करो पे टेम्परेचर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं आइसोथर्म, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोथर्म, दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोथर्म। क्यों हम इसको आइसोथर्म बोलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, एक ग्राफ हो गया। अब हम यहां पे पहुंच जाते हैं दोबारा से, क्या बोला हमने पी वी इज इक्वल टू के, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड प्रोडक्ट एंड वी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, हाँ हम यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट क्या है के, फॉर एग्जाम्पल हम इसका एक वैल्यू लिख लेते हैं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल 200। ये 200 कैसे आया होगा यहां पे, पी एंड वी का प्रोडक्ट। मान लीजिए ये इनिशियल स्टेट में पी वन था, इनिशियल स्टेट में वी वन था, इसको ले लेते हैं 25, तो इसके साथ क्या मल्टीप्ले करें ताकि ये निकल जाएगा 200। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम भी क्या होगा चेंज, लेकिन वैल्यू क्या निकलना चाहिए 200, दैट मीन्स इट शुड बी 50, इट शुड बी 4, निकल क्या गया 200। देख लीजिए पी वन वी वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 200, पी टू वी टू इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कितना 200, क्योंकि जब आप एक को डिक्रीज करोगे दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, बराबर निकलेगा वैल्यू हमारा। ठीक है, तो हम जब ये दोनों आपस में राइट हैंड साइड बराबर है तो ये भी क्या होगा बराबर, दैट मीन्स पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इट इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, बॉयज़ लॉ में जो आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उनमें आपको मोस्ट ऑफ द केस में ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम यहां पे इसका ग्राफ देख लेते हैं, क्या करते हैं हम एक ग्राफ बना लेते हैं यहां पे, किस किस के दरमियान, एक्स एक्सिस पे लीजिए वी, वाई एक्सिस पे लीजिए पी वी। ठीक, आप क्या करते हो, आप इस पी को चेंज कर लेते हो, इंक्रीज कर लेते हो, या क्या कर लेते हो डिक्रीज कर लेते हो। ठीक, मुझे बोलिए यहां पे हमने देख लिया जब यहां पे क्या था वी 8,
यहां पे वी कितना बन गया, फोर। इसके साथ साथ पी का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज। टोटल प्रोडक्ट क्या, कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स अगर आप पी का वैल्यू इंक्रीज करोगे, वी अपने आप को एडजस्ट करेगा, डिक्रीज करेगा, ताकि इसका प्रोडक्ट क्या निकलना चाहिए, कॉन्स्टेंट। ठीक, अगर आप वी को अब डिक्रीज कर रहे हो, पी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके वी या पी इंक्रीज डिक्रीज करने से, इसका वैल्यू हमेशा क्या निकलेगा, कॉन्स्टेंट। तभी हमने यहां पे पैरेलल लाइन लगाई एक्स एक्सिस पे। ठीक है, थर्ड ग्राफ, ग्राफ नंबर थर्ड। मैं यहां पे एक ग्राफ डालता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज पी, इट्स वी। क्या ग्राफ निकलता था, हाइपरबोला। ठीक, मैं दूसरा ग्राफ डाल लेता हूं, मैं तीसरा ग्राफ डाल लेता हूं। इधर टेम्परेचर टी वन, टेम्परेचर टी टू, टेम्परेचर थ्री। देख लीजिए, एक्चुअली टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये तीन प्रोसेस मैंने कंबाइन की है। ठीक है, ये एक, ये दो, एंड दिस नंबर थर्ड। इसमें जहां भी आप देखोगे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज टी वन। टेम्परेचर यहां कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज टी टू। टेम्परेचर यहां कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज टी थ्री। That means, अगर आपको ये तीन ग्राफ दिए गए हो, आपको बोला गया हो कि कहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वही तीन ग्राफ्स को मैंने यहां पे क्या किया है, कंबाइन किया है। आपको बोला जाएगा कि टी थ्री ज्यादा है, टी टू ज्यादा है, टी वन ज्यादा है, या इनमें से ऑर्डर देखना पड़ेगा आपको। देखिए आप क्या करना होगा आपको, हम फिर उसी इक्वेशन का यूज यहां पे कर लेंगे। किस इक्वेशन का, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या थी वो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक, अब आपको क्या देखना है, हमने इसको मॉडिफाई किया था ऐसे, एन आर टी वन बाय वी। इस वक्त वी यहां पे नहीं है, वी यहीं पे है, जो एक्चुअल फॉर्म है किसकी, आइडियल गैस इक्वेशन की। ये क्या है, दिस इज के। इसमें क्या कॉन्स्टेंट है, गैस कॉन्स्टेंट। अब क्या बचा, ये भी कॉन्स्टेंट हमने लिया, जब हम गैस को कंपेयर करेंगे ये भी कॉन्स्टेंट है। अब चेंज क्या हुआ है इन तीन ग्राफ्स में, टेम्परेचर। ठीक, तीन ग्राफ्स मींस तीन अलग अलग प्रोसेस, एक जगह पे एक टेम्परेचर, दूसरी जगह पे दूसरा टेम्परेचर, तीसरी जगह पे तीसरा टेम्परेचर। आपको बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, ये या ये। दैट मींस दिस पीवी डिपेंड्स अपॉन के, ये तो पता है, एंड दिस के डिपेंड्स अपॉन हियर टी। जहां पे टी का वैल्यू ज्यादा होगा, ऐसे होगा ये, जहां पे टी का वैल्यू ज्यादा होगा, ये पीवी करो, इसके अंदर जो एरिया आएगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पे हम देख लेते हैं, दिस इज प्रेशर इक्वल। ठीक, अब देख लीजिए इसका एरिया या वॉल्यूम, ये इसके लिए, ये इसके लिए, एंड दिस इज फॉर नंबर थर्ड। अब मुझे बोलिए वॉल्यूम कहां पे ज्यादा है, यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम ज्यादा है, दैट मीन्स टी थ्री इज ग्रेटर देन, इसके बाद टी टू, इसके बाद टी वन। ठीक, ऐसे पूछा जाता है, नीट में भी पूछा गया था पिछले साल इस पे क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहां पे ये ग्राफ लगाया है। ठीक, दिस वॉज ऑल अबाउट बॉयलर्स लॉ। हमने बॉयलर्स लॉ के लिए क्या क्या देखा, इसके दो स्टेटमेंट्स देख लिए हमने, साथ साथ हमने प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट का देखा कि इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इक्वेशंस भी देख ली, ग्राफ्स भी देख लिए। अब क्या करना है हमें, हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस, किसकी एप्लीकेशन, बॉयलर्स लॉ की एप्लीकेशन। ठीक, जैसे ऐसे हमें क्या प्रूव हुआ, पहले हमने यहां पे देख लिया, ये पिस्टन हमने लगाया था स्टार्टिंग में, वहां पे हमने बोला था जैसे ही आप इसका प्रेशर इंक्रीज करोगे, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज मींस गैस कंप्रेस हो गया, दैट मींस इसने हमें प्रूव कर दिया गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस आर कंप्रेसिबल। ठीक, अब मुझे बोलिए साथ साथ डेंसिटी के बारे में, मुझे बोलिए डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, ये वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज, ये तो कॉन्स्टेंट है। जब ये डिक्रीज हो गया, ये टर्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। दैट मींस ऑन अप्लाइंग प्रेशर किस पे, ऑन गैस, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, इट्स डेंसिटी क्या हो जाती है, इसकी डेंसिटी को इंक्रीज हो जाती है। ठीक,
द गैस बिकम्स मोर डेंसर, गैस बिकम्स मोर डेंसर, गैस जो है ये ज्यादा डेंसिटी इसमें आ जाती है, ठीक है। ठीक, अब हम यहां पे क्या लिखते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ये डेंसिटी है गैस की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे इसकी डेंसिटी भी क्या डिक्रीज हो जाएगी। लीजिए एग्जांपल, हाई ऑल्टीट्यूड की एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दैट इज लो हायर प्लेसेस पे, ठीक। जब ये लो हो गया ये भी क्या हो जाएगा लो, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी लो। अब इस गैस में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथिंग में यूज करते हैं, इट विल बी नॉट अवेलेबल इजिली, नॉट अवेलेबल इजिली, क्योंकि गैस का डेंसिटी क्या कम हो गई। इसको इससे क्या हो जाता है, इंसान अनइजीनेस फील करता है, अनइजीनेस या इसको हेडेक हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस, अल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक। ये हम किस पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बॉयलर्स लॉ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तभी तो जो मोटेनर्स होते हैं, मोटेनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेते हैं ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। चलो दिस वाज ऑल अबाउट बॉयलर्स लॉ, कल हम देख लेंगे दूसरा, थैंक यू।